सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास भी जो है विंडोज 10 में या फिर 11 में जो है ये एरर आ रहा है न्यू ऑडियो डिवाइस इंस्टॉल्ड, तो इस एरर को जो है कैसे रिमूव कर सकते हैं, और तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। मैं यहां पर विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूं, तो विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आई प्रेस कर देना है, शॉर्टकट की से सेटिंग जो है ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड वाला जो ऑप्शन है प्लेइंग ऑडियो, तो यहाँ पर आपको जो है इसको रन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर ये ऑडियो की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको जो है सेटिंग को क्लोज कर देना है, फिर आपको जो है डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। यहाँ पर राइट क्लिक कर जो है आप इजीली यहाँ से क्लिक कर दीजिए डिवाइस मैनेजर के ऊपर, डिवाइस मैनेजर जो है ओपन हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर साउंड का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर, तो यहाँ पर इस एरो पर क्लिक कर एक्सटेंड कर देना है। फिर यहाँ पर इसके ड्राइवर को जो है आपको अपडेट कर देना है, राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक कीजिए, ड्राइवर भी जो है इसके अपडेट हो जाएंगे यहाँ से इजीली। उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर सिस्टम डिवाइस का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर एरो पर क्लिक कर इसको भी जो है आपको एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हाई डेफिनेशन ऑडियो कंट्रोलर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक कीजिए, इसके भी ड्राइवर्स जो है अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप अपने PC या लैपटॉप को जो है एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई, तो आपको जो है यहाँ पर साउंड के ड्राइवर को जो है आपको अनइंस्टॉल कर देना है। राइट क्लिक कर अनइंस्टॉल डिवाइस के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर अनइंस्टॉल के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है साउंड ड्राइवर को जो है ऐड कर देना है। यहाँ पर डेस्कटॉप का जो आपका नाम है, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद एक्शन के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर ऐड लिगेसी हार्डवेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर इंस्टॉल द हार्डवेयर के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर से साउंड को जो है ऐड कर देना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कीजिए। उसके बाद आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर, तो आपको जो है इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से आपको जो है इसको सेलेक्ट कर यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप जो है यहाँ पर और एक बार जो है यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साउंड ड्राइवर जो है ऐड हो गए हैं। उसके बाद आपको फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने PC या लैपटॉप को जो है एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।